बेटा मत करा अजर बेटा, डॉक्टर साहब देख के रहे अजर बेटा आप आ गए। डॉक्टर साहब वो मेरा बेटा ठीक तो है ना? अभी सिचुएशन काफी क्रिटिकल है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और ये कुछ दवाइयां हैं, आप इन्हें जल्दी से लेके आइए। पर डॉक्टर साहब ये तो सरकारी अस्पताल है ना, तो दवाई तो हाँ बाकी सब तो हम मैनेज कर ही रहे हैं, बट ये कुछ मेडिसिन से हॉस्पिटल में इनका स्टॉक खत्म हो गया। कितने तक में आएंगी ये दवाइयाँ? यही कोई 1000-2000 में आ जाएगी। डॉक्टर साहब ये पैसे नहीं है मेरे पास। आप एक काम करो, ये ऊपर की दो दवाइयाँ और ये इंजेक्शन ले आओ, बाकी शाम तक दोबारा स्टॉक आ जाएगी। जी मैडम, ये सारी दवाई देनी है? नहीं नहीं भैया, बस ऊपर की दो और नीचे का एक इंजेक्शन दे दीजिए, फिलहाल इतने ही पैसे हैं मेरे पास। हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ मिल जाएंगी सारी दवाइयाँ। अरे मैम कैसी बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ A1 क्वालिटी की दवाइयाँ मिलती हैं सारी जी। हाँ इतने सारे पैसे? आप मुझे व्हाट्सएप पे लिस्ट भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा। अरे नहीं नहीं आपको आने की जरूरत थोड़ी है। मैं बेईमानी के पैसे से अपने बेटे का इलाज नहीं करा सकती। और दवाइयों की लिस्ट भेज दीजिएगा मैम, ठीक है? भैया आपके पैसे मेरे? हाँ भैया, मैंने आपको 500 रुपये दिए थे, आपको 150 वापस करने थे, आपने गलती से 1500 कर दिए। क्या बात है मैडम, पर अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि आपके पास आपके बेटे की दवाइयों के लिए पैसे नहीं है, तो फिर आप ये लेके चली जाती, मुझे वापस देने क्यों आई? मन नहीं माना। और भैया बेईमानी के पैसों से किसका भला हुआ? ठीक है भैया मैं चलती हूँ। मैडम एक मिनट, अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाइए। इस प्रिस्क्रिप्शन में लिखी सारी दवाइयाँ मैंने इसमें पैक कर दी हैं और आपको इनके पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप नहीं जानते कि आपने मेरी कितनी ज़्यादा मदद की है। मैं धन्यवाद कैसा मैडम, ये तो आपकी ईमानदारी का इनाम है। ठीक है भैया। अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।